भैंस ढूंढने का बहाना तीन बदमाशों ने हाथ मुंह बांधकर बच्चे को अगवा करने का प्रयास किया। परिजन अगवा ग्रामीण ट्रक ट्राली से अमोला पुलिस थाने पहुंचे। पुलिस मामले की जांच कर रही। अमोला थाने के सलाया गांव में 12 साल के बच्चे को तीन बदमाशों द्वारा अगवा करने का प्रयास किया गया, लेकिन बच्चे का मुंह खुल गया और बदमाश बाइक से भाग निकले। ग्रामीण ट्रक ट्राली से पुलिस थाने पहुंचे और घटना के बारे में बताया। पुलिस ने मामले में छानबीन शुरू कर दी। सलाया निवासी दिनेश लोधी का कहना है कि बेटा केस लोधी 12 वर्ष शनिवार की दोपहर सौंच करने गया था। बाइक सवार तीन बदमाशों ने भैंस ढूंढने के बहाने बच्चे को बुला लिया। बच्चे के सुलती से हाथ बांध दिए और तौलिया से मुंह बांध दिया, लेकिन बच्चे का मुंह खुल गया और चिल्लाने पर बदमाश भाग गए। पिता का कहना है कि हमने बाइक को से बदमाशों का पीछा करने का प्रयास किया, लेकिन वाहन नहीं मिल सके। इसके बाद अमोला थाना पहुंचकर पुलिस को अवगत कराया। पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? दिनेश कुमार लोधी। अच्छा जी, बताइए जी, आपके लड़के के साथ जो वारदात हुई है, क्या हुई है? ये तीन लोग थे तो मोटरसाइकिल से एक कुछ दूराई पर उसने मोटरसाइकिल लगा दी। दो लोग आए, बच्चे के हाथ बांध लिए और मुंह बांध लिया, और बच्चा न जाने फिर परमात्मा की कृपा से बच्चा का मुंह खुला और बच्चा फड़फड़ाया, तो फिर वो कोई लोगों ने देख लिया उनके लिए, ना जाने क्या हुआ, फिर बच्चे को छोड़कर भी भाग गएगा एक। अच्छा, किस जगह की घटना है ये? जी मेरी कुआ के पास में पेता निकला है, पेता के पास है की बात है। वहाँ क्या करने गया था बच्चा? जी लेटरिंग गया था, लेटरिंग होकर के फिर उन्होंने बुलाया कि आओ हम तुम्हें बिस्कुट दे रहे, हमारी भैंसे हैं रानी, भैंसे बता दो। अच्छा। हाँ, तो इस चक्कर से बच्चा बेला फुसका फुसला करके उनके पास चला गया। तो फिर उन्होंने जैसा ही बच्चा पहुँचा उन्होंने उसके लिए पेट पकड़ के पकड़ लिए, फिर हाथ बांध लिए डायरेक्ट, फिर बच्चा नहीं फड़फड़ा पाया। फिर इस बात की सूचना आपको कब लगी कि बच्चा वहाँ बंदा डला है? जस्ट बच्चा रोकर और दौड़ उनसे छूटकर हमारे पास आ गया, हम ईंट लगे थे बनावे। तो आपने पता नहीं किया कि वो कौन थे क्या थे? फिर हमने पीछे मोटरसाइकिल लगाई दो, तो हमें जानकारी मिली, मैं जी बीरपुर ढाबा का पास पहुंचा इस रास्ते से, और एक भैया था तो वो तुम्हें बीरपुर रास्ता से पहुंचा। फिर बीरपुर के गुजरों ने बताया कि भाई तीन लोग थे मोटरसाइकिल से और मुंह बांधे थे, वो भी इतनी स्पीड से भागे कि अभी तो वे बहुत ही निकल गए होंगे, तुम नहीं पकड़ पाओगे। अच्छा जी, बताइए आपको क्या लगता है कि आपके बच्चों को क्यों अपहरण करना चाहते होंगे? आपको क्या लग रहा है? हमें ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे पीछे पड़ा है। चलो ठीक।